तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने फ़ोन को और उस बैटरी को ओवर चार्ज होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फ़ोन को चार्ज में लगाकर भूल जाते हैं, जिसके कारण हमारा फ़ोन ओवर चार्ज होता रहता है और जो हमारी बैटरी है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सिंपली चलना है प्ले स्टोर में, यहाँ पर आपको टाइप करना है फुल बैटरी। देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा ऐप है फुल बैटरी एंड थेफ्ट अलार्म। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, 10 लाख बार से ज़्यादा डाउनलोड हो चुका है, 4.4 की रेटिंग इसकी है। साथ ही साथ इसके जो कमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो इस तरीके से दोस्तों, ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, तो इसको आपको सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। देखिए दोस्तों, ये बहुत छोटा 2 MB का ये आपका ऐप है, 2-3 MB का, और ये तुरंत इंस्टॉल हो गया। देखिए दोस्तों, हमारा जो ऐप है वो इंस्टॉल हो चुका है, हमको ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको पढ़ना है इसके जो सेटिंग में है हाउ टू यूज़, आपको यहाँ पे बताएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपकी जो इसके फ़ीचर हैं वो बताएगा। देखिए, सबसे पहले जो हमारा फ़ीचर है पहला, वो है फुल बैटरी अलार्म, यानी कि जिस तरीके से हमारी बैटरी 100% हो जाएगी चार्ज, तो आपको जो फ़ोन का अलार्म है वो अपने आप बजने लग जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे थेफ्ट अलार्म है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हमारा फ़ोन है जो पूरी तरीके से चार्ज नहीं हो पाता किन्हीं कारणों से। तो दोस्तों, उसके लिए अगर आपका फ़ोन बीच में ही पूरा चार्ज नहीं होता, कोई अगर उसे अनप्लग कर देता है, तो उसके लिए भी अलार्म बज जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो आप स्मार्ट वॉच की मदद से भी अपने फ़ोन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको देखिए, यहाँ पे लो बैटरी अलार्म, यानी जब आपकी बैटरी फ़ोन की बैटरी जो है वो लो होगी, तब भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरी जो फ़ोन है वो 50% चार्ज हो चुका है। अब जैसे मैं चार्जर ऑन करूँगा तो देखिए, ये इस यहाँ पे इसकी जो टाइमिंग है वो अपने आप शो करनी शुरू हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग में चेंज करने से होंगे। देखिए, यहाँ पे ये मेरा जो बैटरी लेवल है ये यहाँ पे 100% के लिए है, ये इस तरीके से मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं और भी सारे फीचर हैं जो कि लो बैटरी होगा तो मैं उसे ऑन कर सकता हूँ। यहाँ पे बैटरी का टेम्परेचर दिखा सकता है। देखिए दोस्तों, अब आपके पास यहाँ पे अलार्म के लिए है। जैसे दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन को बीच में ही लगा के छोड़ देते हैं और कोई बीच में से आके उसे निकाल लेता है, अनप्लग कर देता है, तो उसके लिए आपका फ़ोन का अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे कोई भी पासवर्ड आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं पासवर्ड यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो मेरा पासवर्ड है वो एंटर हो चुका है। यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है रिकवरी का, अगर आप पासवर्ड भूल जाते तो आपकी मेल आईडी पे जो है वो रिकवर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो मेरा मैसेज है वो आ चुका है। देखिए दोस्तों, जो मेरा फ़ोन है वो चार्ज में लग चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ये टाइमिंग शो कर रहा है कि मेरा फ़ोन कितने टाइम से चार्ज हुआ है और कितने परसेंटेज चार्ज हुआ है जब से मैंने चार्ज में लगाया इसे। उसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने अपनी सेटिंग में पासवर्ड डाला था उसकी हेल्प से, अब मैं यहाँ पे जब ये चार्ज अलार्म और थेफ्ट अलार्म ऑन करूँगा, तो यानी कि जो मेरा फ़ोन है वो अपने आप अलार्म में लग चुका है। अगर कोई बीच में इसे डिस्टर्ब करेगा, इंटरप्ट करेगा, तो ये अपने आप बजना शुरू हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि अब मेरा जो फ़ोन था वो अगर किसी ने बीच में इंटरप्ट किया तो वो अलार्म बजना शुरू हो गया, और जब तक आप पासवर्ड वापस नहीं डालते तब तक वो अलार्म है जो है वो बंद नहीं होगा। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप अपने फ़ोन को ओवर चार्ज होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।